तुम सारे लोग मेरे को बोल रहे थे टू रिएक्ट टू एंग्री प्राश। आई यूज्ड टू वॉच एंग्री प्राश बहुत ज्यादा जब मैं 15-14 साल का था, ठीक है, एंड देन मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गया, फिर मैंने एंग्री प्राश का चैनल इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर पाया। बट राइट नाउ ही इज वेरी ह्यूज, ही हैज 6.62 मिलियन फॉलोअर एंड एंग्री प्राश इंडिया का सबसे बिगेस्ट एनिमेशन चैनल है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। क्लिक 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 क्लिक। सो 87% ऑफ यू अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो लेकिन मेरी वीडियोस देखते हो। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज 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 प्लीज। ओके थैंक यू। ओके इट्स टाइम फॉर अखंड भूतियाप्पा, लेट्स गो। भाई बहुत बोर हो रहा है, चलो कोई मूवी देखते। कौन सा मूवी? बहुजी की लहंगा में भूत। क्या? व्हाट? ये देखो ये बहुजी की लहंगा में भूत। व्हाट द फ्रिक? अबे ये तो कंजूरिंग है भाई, भोजपुरी डब है। नहीं नहीं हॉरर मूवी नहीं देखनी मेरे को, बंद कर। सीधा सीधा बोलना, फटती है आखिर मेरी नजर इन चीजों में क्यों जाती है? इतना सारा चुदाप देख के भाई ऐसा क्यों? बताता हूँ तो इंट्रो चला। अखंड भूतियाप्पा। एक तो ये हॉरर मूवीज के दरवाजों का कोई ऑयलिंग कराओ पहले, पूरा टाइम बकरे की तरह। दरवाजे कुछ ज्यादा ही पसंद है भूत लोगों को, जब भी कोई अंदर आता है तो पीछे से मार देता है। क्या दरवाजा? ऑटोमेटिक दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियां बंद हो जाती है, टीवी के चैनल चेंज हो जाते हैं, लाइट बंद चालू हो जाती है। साला भूत है आयरन मैन का जार्विस। सालों को कंबल खींचने का बड़ा शौक है, कल से काम वाली बंद भूत ही करेंगे सारा काम। उठने के बाद बेडरूम साफ करेगा, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देगा, फ्रिज में पानी की बोतलें भर के रख देगा, मेरी बिल्ली की टट्टी साफ करेगा और अपुन देखेगा टीवी पे। ऐसा भूत तो मुझे भी चाहिए जो इतने अच्छे अच्छे काम कर सके। प्रिय वंशम चौकीदार, लालटेन वाला चौकीदार। हर मूवी में मिलेगी आपको एक खाली पुरानी हवेली और उसका लालटेन वाला चौकीदार जो सालों से वहाँ पे किसकी चौकीदारी कर रहा है पता नहीं। फिर वहाँ पे इनोवा लेके आएंगे 6 वंडरलस्ट के चौदे जिनको उसी पुरानी 2500 वाली हवेली में रुकना है क्योंकि पैसा तो सारा दारू पीने में खर्चा हो गया। फिर उसमें से एक पापा की परी हवेली को देख के बोलेगी यू हाउ पथेटिक, तो भोपाली के ओयर रूम कर लेना। फिर उन्हें मिलेगा वो लालटेन वाला चौकीदार जो उन्हें बोलेगा यहाँ सालों से कोई नहीं आया। फिर अपने 6 बलि के बकरे हवेली को ताजमहल समझ के घुस जाएंगे। इनको पता है हवेली भूतिया है लेकिन अपना डायरेक्टर तो चूतिया है। एक हॉरर मूवी के बीच में अचानक चुम्मा चाटी शुरू हो जाती है इनकी। एक तो पहले ही डर के मारे रोंगटे खड़े हैं, फिर अचानक नुन्नू खड़ा हो जाता है, फिर पीछे से भूत। व्हाट व्हाट? अभी आप मूवी तो देख ही नहीं रहे हो, फिर क्यों है ये ऐसा? वेरी ससी एंग्री भाई। उस दिन से मेरे नुन्नू ने मेरे इमोशन पे भरोसा करना ही छोड़ दिया है। फिर उन 6 नमूने में से जब चाट ब्रो, ये अलग टाइप की सुपर पावर है, जब चाहे तब खड़ा, जब चाहे तब गायब। वाओ, तब जाके अपना चौकीदार आएगा और बोलेगा यहाँ पे भूत है। इसको पहले से सब पता होता है फिर भी भड़वा बताएगा नहीं क्योंकि 2500 जो कमाने साला पता नहीं इसने 2500 के चक्कर में कितने सारे वंडरलस्ट के पंछियों की कबर खोदी होगी। कम से कम 2.5 लाख भूत घूम रहे होंगे उस हवेली में। इन शॉर्ट उस चौकीदार ने बोला आओ मेरी हवेली पे। भाई आखिर इसके छाती में सिर्फ एक ही क्यों है? मतलब निप्पल्स तो दो दो होते है ना, इजंट इट? हवेली में हर लौंडा लाइन मारेगा अपनी सहेली पे, लेकिन सहेली तो निकली भूत, लौंडे का निकल गया मूत। और लौंडे ने चौकीदार को बोला Not real life characters. मैंने देखा ये हॉरर मूवीज के कैरेक्टर रियल लाइफ से कोसों दूर होते। क्यों भाई? एक बात बता, अगर तेरे घर में आग लगी है तो तू घर में बैठ के टीवी देखेगा या घर से बाहर भागेगा? घर से बाहर भागूंगा। लेकिन पिक्चर में तो उसका उल्टा होता है, पता है घर में भूत है लेकिन उसी घर में रहना है और साथ में नहीं अलग अलग कमरे में सोना है। फिर एक खुफिया कमरे से किसी की रोने की आवाज आती है, फिर उसमें से सबसे पहले लड़की जाती है। किसी भी भूत की आवाज जाएगी, सबसे पहला होता कि कोई लड़की उठेगी एंड वो जाएगी। हमारी हीरोइन की फट गई है लेकिन किसी को उठा के बताएगी नहीं, अकेली जाएगी। तोंडे बन के उसी अंधेरे कमरे में जाती है, कोई दिख नहीं रहा है लेकिन भोपाड़ी की भागेगी नहीं उधर से और चिल्लाएगी कौन है कौन है, जैसे इसको भूत आके जवाब देने वाला है। मैं कमलनाथ शर्मा आपको डराने आया हूँ। और इनके भी 2 कदम आगे हॉलीवुड वाले, पता नहीं कौन सा वाला नशा करके मूवीज बनाते हैं ये लोग। खुद अलग कमरे में सोएंगे बेचारे, बच्चे को अलग कमरे में सुलाएंगे। आपको पता है कि बच्चे के कमरे में भूत है, फिर भी बच्चे को उसी कमरे में सुला के वहाँ पे वीडियो कैमरा लगा के रिकॉर्ड करेंगे। फिर नीचे बैठ के टीवी पे आराम से देखेंगे कि भूत पहले बच्चे का सर खाएगा या पैर। बेगैरत माता पिताओं को देखने के बाद मुझे बेलन से मारने वाली मेरी माँ मदर टेरेसा लगने लगी है अब। इतनी हराम खोर, अबे भूतों को छोड़ बच्चे का सोच, चुड़ैल औरत। मुझे आता है चुड़ैल को भगाना। यू फकिंग डॉटर ऑफ चुड़ैल साली। माँ जी आप छोड़िए, शायद हिंदू चुड़ैल होगी, मैं देखता हूँ। ये हराम खोर भाई साहब शायद नास्तिक होगी, मैं निकालता हूँ। ओनली अटैक ऑन रिच पीपल। अमीरी बहुत पसंद है भूतों को। कभी किसी गरीब के घर के बेड के नीचे भूत छुपा देखा है?
कैसे दिखेगा? उसके नीचे जगह थोड़ी होती है, वहाँ तो आपको सिर्फ सब्जी तरकारी मिलेगी, सूखे हुए पापड़ मिलेंगे, भूतों का भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है भाई। भाई ज़ॉम्बीज के बारे में आपका क्या कहना है? उनसे बड़े चोदू लोग देखे नहीं मैंने, वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले मरने के बाद ज़ॉम्बी बन जाते। पहले 3 लोगों को काटो, फिर वो 3 लोग और 3 लोगों को काटेंगे, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, काटने के अलावा कोई और काम धंधा नहीं होता इन लोगों के पास। और भाई वैम्पायर? अबे वैम्पायर और इंसान में क्या फर्क बचा है बे? दोनों दूसरे इंसान का खून चूसते हैं, और वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में आजकल दोनों धूप की गर्मी के वजह से मर जाते। भाई मेरे चाचा को एक दिन सुनसान रास्ते पे एक भूत ने रोक के बीड़ी मांगी थी। अबे देश के हर चाचा को कभी ना कभी किसी भूत ने बीड़ी मांगी होती है। ये भूत और कोई नहीं अपना मुकेश है, जो पिक्चर से पहले आता है। बेचारा मरने के बाद भी लोगों को धूम्रपान से बचाता रहता है। नागू भाई आपके साथ कोई भूत का किस्सा हुआ था? हुआ तो था, लेकिन मेरा किस्सा सुन के इंसान नहीं भूत डर जाते हैं। ऐसा क्या हुआ था? एक दिन खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था, फिर रास्ते पे जाके देखा तो खिड़की पे कोई। एक्चुअली इसका डिजाइन ऐसा है, देखो यार ये बहुत अजीब लग रहा है। जाके देखा तो खिड़की पे कोई नहीं था, फिर खिड़की से देखा तो रास्ते पे खड़ा था भूत, फिर रास्ते पे जाके मैंने मार दी उसकी में बॉटल। राइम हो रहा था। इस किस्से का तो क्लाइमैक्स सुनने से पहले ही भूतों को मुक्ति मिल जाती होगी। खत्म हो गई। तुम लोग रुको, मैं नाके से संतरे का बॉटल लेके आता हूँ। अबे रुक, नो ड्रिंकिंग एंड ड्राइव, हम आते तेरे साथ। ओ एक्चुअली उसके दो दो निपल्स भी है, एक ही दिख रहा है। भाई वो कौन है? देसी पीयू, थर्रा पीयू, पीयू बैठ के ताड़ी। Who is this hot chick in सफेद साड़ी? भाई मुझे लगता है चुड़ैल है। तू डर मत, चढ़ा दे। इंसान होगी तो रास्ते से उतर जाएगी, भूत होगी तो कौन सी मर जाएगी। पॉइंट तो है, ट्रू। लगता है भाग गई। भूत है। भाई पीछे देखो। चल ओटीपी बता। ये बार बार तुम भूत लोग लिफ्ट क्यों मांगते हो बे? मैं उड़ना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ, लेकिन रुकना नहीं चाहती। झूठ बोल रही है साली, इसकी तंगड़ी उल्टी है इसलिए किधर जा नहीं सकती, दूसरों को लिफ्ट मांगती रहती है। एक काम कर, गाड़ी साइड में रोक, इसकी समस्या हमेशा के लिए खत्म कर देते। हाँ भाई। ए, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? किधर लेके जा रहे हो? तुम दोनों इसके हाथ पकड़ो, मैं इसकी तंगड़ी घुमाता हूँ। ऐसा मत करो, मेरी भूत बिरादरी वाले मेरे को निकाल देंगे। ऐसा मत करो। पकड़ उसको ठीक से पकड़। ए, नहीं, ए, नहीं, बचाओ मेरे को, बचाओ। अभी हो जाएंगे तेरे पैर सीधे, ये देख। नागू इसकी डिक्की तो आगे आ गई बे, निकलो यहाँ से। अरे ये क्या कर दिया बे? भागो। नाइस वीडियो, इट वाज अ नाइस वीडियो। लाइक थोड़ा सा पुराना वाइब है। लाइक राइट नाउ बहुत सारी एनिमेशन चैनल्स हो गए हैं, ठीक है? मोस्टली सारा एनिमेशन वीडियोस सबका सेम ही दिखता है, सेम ही वाइब आता है। बट एंग्री प्राश का ये वाला वीडियो इज लाइक डिफरेंट देन थोड़ा सा अदर क्रिएटर्स। वेरी ओल्ड यूट्यूब टाइप का वाइब फ्रॉम दिस वीडियो। गूगल वॉज ए इंडियन गवर्नमेंट ऑफिस, लेट्स सी ये क्या है। शांत बैठो, अबे शांत बैठो। इंटरनेट सस्ता हुआ नहीं, आ गए मुंह उठा के। बेटा आप तो कुछ और उठा के आए हो। चुप, एक एक करके लाइन में आने का। मुंशी जी एसी चलाओ। सर एसी खराब है। तो कुछ ठंडा लेके आओ। जी सर। हाँ जी बताइए क्या काम है। सर facebook.com। तेरे बाप का नौकर हूँ मैं, कभी फेसबुक से पूछा है google.com? मैंने तो ठेका लेके रखा है सबका, है ना, दल्ला समझ के रखा है। आओ जाओ बुंड तुम्हारा। क्या भाग ऐसे भाग। नेक्स्ट। सर जीमेल अकाउंट खोलना है। अच्छा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और लाइट बिल का जेरोक्स लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ। हाँ लाया हूँ ना सर, ये लो। नहीं वो अवेलेबल नहीं है, या तो रखो pakyachopra3@gmail.com। लेकिन सर ये तो जबरदस्ती है। हाँ तो मत खोलो अकाउंट, जाओ याहू के पास। अरे नहीं नहीं सर, कर दो, आप तो बुरा मान गए। नेक्स्ट। सर ये लो। क्या है ये, बर्फ के गोले? आपने ही बोला था कुछ ठंडा लेके आओ। अबे ठंडा पीने के लिए मंगाया जाता है ये बर्फ के गोले? क्या पिछवाड़े में डाल दूं मेरे? हाँ सर, सोचो अगर आप पादोगे तो पूरा रूम ठंडा हो जाएगा, वैसे भी एसी काम नहीं कर रहा अपना। चप्पल का है मेरी। जा रहा हूँ सर, जा रहा हूँ। नेक्स्ट। हाय सर, बादशाह के 4 और एमिनेम के 3 गाने डाउनलोड करने। बादशाह और एमिनेम। मुंशी जी एमिनेम कहाँ रखा है? सर उसे वहाँ ड्रावर में लॉक कर दिया है, बहुत चिल्लाता है भोपाली का। हाँ मिल गया, ये लो बादशाह और एमिनेम। सर थैली में दो ना। अबे प्लास्टिक की थैली बंद हो चुकी है मार्केट में, घर से कपड़े का थैली लेके आने का, अकल घास चरने चली गई है क्या? चलो निकलो। नेक्स्ट। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। देख अगर इंडिया में तुझे सक्सेसफुल बनना है तो 4 सिंपल स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। 1, ये गेंडे की चमड़ी का सड़ा हुआ धागा अपने गले में बांधना है। 2, ये कछुए में अपनी विष वाली चिट्ठी रखकर पानी में डालना है। रोज 5 बार इस मंत्र का जाप करना है। पैसा कुड़कुड़म, पाउसर कुड़कुड़म, आधी में लुड़बुड़म, पूरी में गड़बड़म, ना सोड़ा ना चकना लागम, हद बट्टी या नमः। वाह, आप 3 महीने में कामयाब हो जाओगे। और अगर नहीं हुआ तो? तो आप पर शनि का साया है, धूप में जाकर खड़ा होना पड़ेगा। नेक्स्ट। हॉट सनी लियोनी पिक्चर्स। ये फॉर्म भर और वो लाइन में जाके खड़ा हो जा।
कुछ करो ना, रहा नहीं जाता। चल भागे यहाँ से। ये सनी ताई ने फोकट में काम बढ़ा के रखा है हम सरकारी कर्मचारियों का। नेक्स्ट। सर मूवी डाउनलोड करना है। कौन सा? सुई धागा। तूने कभी डाला है सुई में धागा? इसमें क्या बड़ी बात है, एक हाथ में सुई एक हाथ में धागा, डाल दो। अबे कॉन्डम में नुन्नू और सुई में धागा डालने में बहुत फर्क होता है। मुझसे पूछ, मेरी बीवी घर पे रोज मेरे से कपड़े सिलवाती है। सर आप मूवी दे रहे हो या नहीं? ये ले 500 हो गए। 500? सर लेकिन मुझे तो फ्री में चाहिए थी। सर सब फ्री में चाहिए तुम लोगों को, कुछ नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से। सर सर देखो ना, कुछ तो जुगाड़ होगा, बड़ी उम्मीद से आया हो, प्लीज सर प्लीज। अच्छा सुन, रो मत। वो अंदर रूम में एक बाबा बैठा है, टोरंट बाबा, उसका घंटा बजा और सीढ़ी लेके भाग जा। दिस होल वीडियो, इसका एनिमेशन इज़न्ट दैट, आरजी का एनिमेशन बहुत क्रेजी है, डोमिनेंट साइड का एनिमेशन इज वेरी क्रेजी, ठीक है। उस टाइम में एनिमेशन मैन वो चीज नहीं है लाइक एंग्री प्राश का। These jokes, जो पूरे jokes लिखे हैं ना, वो काफी interesting है। वो reason है कि like angry brass को लोग इतना पसंद करते हैं। google.com मैं ही हूँ पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ www.google.com शास्त्री। अभी काम क्या है बता, वरना मैं तेरी हिस्ट्री कल अखबार में छाप दूंगा। कुछ नहीं, वो इंटरनेट चल रहा है कि नहीं वो चेक कर रहा था। ये करता तो मैं भी हूँ भाई। How to reduce weight in one month? वो एक महीने वाला फाइल कहा गया। How to reduce weight in one week? सब जल्दी में चाहिए लोगों। How to reduce weight in one day? चल अंदर चल, एक मिनट में वेट कम कर देता हूँ तेरा। नहीं नहीं सॉरी सर, मैं जा रही हूँ, नहीं करना। ये गूगल इमेज उठाया था ना, ये तुम यही देख रहे हो। 4 साल पहले इतना ज्यादा एनिमेशन चैनल्स नहीं थे, तब यू नो तब इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था एनिमेशन में। राइट नाउ एंग्री प्राश का हर एक वीडियो का एनिमेशन क्वालिटी ना इंक्रीज हो गया होगा, जस्ट बिकॉज बहुत सारे चैनल्स हैं उनका एनिमेशन क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। सर फेसबुक जाना है। आ तेरे फेस का लुक बदल देता हूँ मैं। आना है छोड़ता हूँ, कहाँ भाग रहा है? ऑनलाइन रिक्शा वाला समझ के रखा है क्या मेरे को? मुंशी जी बाहर फेसबुक बंद का बोर्ड लगाओ। जी सर। आए बड़े, बाप को पूछेंगे बेटे का रास्ता। I have you. तो अगर नाइस इट वाज अ नाइस वीडियो लाइक ये मेरे को वही 2017 के उसमें ले गया, मेरे को तो मजा आता था। एक और चैनल था एनिमेशन वाला, आई डोंट रिमेंबर, फाइनेंशली करके एक और चैनल था जो कि बहुत अच्छा एनिमेशन बनाता था। तो आई रिमेंबर दो तीन चैनल्स उस टाइम के।